आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दुनिया भर में योग की धूम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अब योग को गरीब और आदिवासियों तक पहुंचाएंगे। राहुल गांधी ने भूपेश बघेल को दिया फ्री हैंड। छत्तीसगढ़ में अब होगी निगम मंडल में नियुक्तियां। एमपी में बढ़ते अपराधों पर शिवराज का हल्ला बोल। पहले धरने पर बैठे फिर दिया राज्यपाल को ज्ञापन। छतरपुर पुलिस ने निकाला गुंडों का जुलूस। तो और गाडरवारा में अवैध उत्खनन करने वालों पर कसा शिकंजा। और अब बस्तर में चमकी का खतरा। छत्तीसगढ़ में हाई अलर्ट जारी। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। इंटरनेशनल योगा डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची में योग किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब योग को गरीब और आदिवासियों तक पहुंचाना है क्योंकि गरीब बीमारी से ज्यादा कष्ट पाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2014 में प्रस्ताव पारित किया था कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाएगा। तब से चार बार यह दिवस पूरे विश्व में मनाया जा चुका है। भारत में रांची से पूर्व 2018 में, देहरादून 2017 में, लखनऊ 2016 में, चंडीगढ़ और 2015 में, नई दिल्ली में इस तरह का बृहत आयोजन हो चुका है। रांची में योग शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री ने योग शिविर को संबोधित करते हुए आप सभी को पूरे देश और दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग के दुनिया भर में प्रचार और प्रसार में मीडिया के हमारे साथी, सोशल मीडिया से जुड़े लोग जिस तरह अहम भूमिका निभा रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार योग फॉर हार्ट केयर की थीम पर यह आयोजन हो रहा है। इसे लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि अब मुझे आधुनिक योग की यात्रा शहर से गांव तक को ले जानी होगी। गरीब और आदिवासी के घर तक जानी है। मुझे योग को गरीब और आदिवासियों के जीवन का भी अभिन्न हिस्सा बनाना है क्योंकि ये गरीब ही हैं जो बीमारी की वजह से सबसे ज्यादा कष्ट पाता है। कि मैं पांचवा योग दिवस मनाने के लिए आज आपके साथ योग करने के लिए रांची ही क्यों आया। भाई और बहनों, रांची से मेरा लगाव तो है ही, लेकिन आज मेरे लिए रांची आने की तीन और बड़ी वजह है। पहला, जैसा कि झारखंड के नाम में ही ये वन प्रदेश है, प्रकृति के बहुत करीब है और योग और प्रकृति का तालमेल इंसान को एक अलग ही एहसास कराता है। दूसरी बड़ी वजह यहां आने की ये थी कि रांची और स्वास्थ्य का रिश्ता अब इतिहास में दर्ज है। पिछले साल 23 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती निमित्त यहां रांची से ही हमने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। आज दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बहुत कम समय में गरीबों के लिए बहुत बड़ा संबल बनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के बदलते हुए समय में इलनेस से बचाव के साथ साथ वेलनेस पर हमारा फोकस होना जरूरी है। यही शक्ति हमें योग से मिलती है। यही भावना योग की है, पुरातन भारतीय दर्शन की है। सिर्फ योग सिर्फ तभी नहीं होता जब हम आधा घंटा जमीन पर मैट पर होते हैं। योग अनुशासन है, समर्पण है और इसका पालन पूरे जीवन भर करना होता है। योग आयु, रंग, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ, अमीरी, गरीबी, प्रांत, सरहद के भेद से परे है। योग सबका है और सब योग के हैं। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर जहां पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है, वहीं देश के जवान भी इससे पीछे नहीं रहे।
योग दिवस के मौके पर सेना के जवान भी योग के आसन करते दिखे। जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक जवानों ने योग किया। पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे विश्व में योग का आयोजन किया गया। देश के जवानों की -15 डिग्री तापमान पर योग करने की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जवानों ने 19,000 फीट की ऊंचाई से लेकर नदी की गहराई तक योग किया। हिमालय में पदस्थ भारतीय सेना के जवानों और अधिकारियों ने भी बर्फ के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। सिक्किम में आईटीबीपी के जवानों ने ऊंचाई पर स्थित ओपी डोर जिला में -15 डिग्री के तापमान में योग किया। 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग पर आईटीबीपी के जवानों ने -10 डिग्री तापमान में योग किया। लेह में आईटीबीपी के जवानों ने योग दिवस पर योगासन किया। नेवी के जवान और अधिकारी आईएनएस सिंधु ध्वज पनडुब्बी पर योग कर योग दिवस मनाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से कहा कि सभी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता चाहते हैं कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल में नियुक्तियां और पीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी से मुलाकात की। करीब एक घंटे चली इस मुलाकात के बाद संकेत यह मिल रहे हैं कि राहुल गांधी ने भूपेश बघेल को निगम मंडल में नियुक्ति करने के लेकर फ्री हैंड दे दिया है। इसके बाद भूपेश बघेल ने दिल्ली के छत्तीसगढ़ भवन के कमरे में योगासन भी किया। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी संतुष्ट नजर आए। उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो भूपेश बघेल प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करके निगम मंडल में नियुक्ति करेंगे। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा में भूपेश बघेल ने कहा कि सभी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में योग किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों से योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि योग न केवल व्यक्ति को स्वास्थ्य व निरोगी बनाता है बल्कि उसे अनुशासित भी करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमित योग से तन ही नहीं मन को भी स्वस्थ रखा जा सकता है। एमपी में बढ़ते अपराधों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ज्ञापन दिया। इससे पहले पुलिस पिटाई से जान गंवाने वाले युवक शिवम के परिजनों के साथ शिवराज सिंह धरने पर बैठे। शिवम को न्याय दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में धरने पर बैठे। धरने पर शिवम के परिजन भी मौजूद रहे। धरने पर बीजेपी उपाध्यक्ष शिवराज सिंह ने कहा कि हम शुभम के परिवार को न्याय दिलाने आए हैं। परिवार की हालत देखकर कलेजा फट जाता है। बुढ़ापे की लाठी का सहारा छीन लिया गया। राजधानी भोपाल है, यहाँ सारा प्रशासन है। उनकी नाक के नीचे कोई ऐसा कृत्य कर दे, मानवता को शर्मसार किया गया है। उन्होंने कहा, सुन लो कमलनाथ, सुन लो बाला बच्चन, सुन लो डीजीपी, लाचार बाप के साथ तुमने ऐसा किया। शिवम इलाज के लिए बोलता रहा लेकिन दरिंदे नरपिशाच उसे पीटते रहे। पूरी व्यथा परम सिद्ध राज्यपाल महोदया ने सुनी है, वो भी द्रवित हुई हैं और उन्होंने आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा परिवार को दिलाया है। मन व्यथित है, प्रदेश अराजकता की तरफ जा रहा है, स्थिति को संभालना जरूरी, इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। शिवराज सिंह धरना स्थल से राजभवन गए और एमपी में बढ़ते अपराधों को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन को ज्ञापन सौंपा। शिवराज सिंह ने कहा कि जब पैसे ले लो पोस्टिंग होगी तो डंडा जनता पर चलेगा। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया है। शिवम के परिवार की मांग है तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने पिटाई की उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिहार में फैले जापानी बुखार और चमकी की तर्ज पर एक्यूट इंसेफलाइटिस नाम की बीमारी का असर बस्तर में देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पूरे प्रदेश में इस बीमारी को लेकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। सभी जिलों के स्वास्थ्य अमले को आंगनवाड़ियों और उप स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में फैले जापानी बुखार और चमकी की तर्ज पर एक्यूट इंसेफलाइटिस नाम की बीमारी ने बस्तर में भी दस्तक दे दी है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ड्रीमपाल मेडिकल कॉलेज में 4 बच्चों को भर्ती कराया गया था, जिसमें से कुछ बच्चे 24 घंटे के बाद होश में आए और एक बच्चे ने 5 दिन के बाद दम तोड़ दिया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पूरे प्रदेश में इस बीमारी को लेकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और सभी जिलों के स्वास्थ्य अमले को शहर से गांव तक सभी आंगनवाड़ियों और उप स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। कुछ बच्चों में जापानी बुखार के साथ साथ एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम के लक्षण भी मिले हैं। इसको पहले बुखार था,
बुखार से उन्हें से उल्टी दस्त हुआ, दस्त होते बिल्कुल झटका मार के पूरा बेहोश हो गया। अच्छा, बेहोश हो गया। पहले आड़ा वाले ले जाया, पहाड़ा वाले से माँ रानी अस्पताल लाया, वहाँ कुछ नहीं है बोल के ना यहाँ डिमरा फाल भेज दी। अच्छा, वो पूरा बेहोश के लाए। एक महारानी ने एक सूजी लगाया, पता नहीं जाना है उससे, और फिर वहाँ गाड़ी जुगाड़ होके यहाँ पड़ लाए। तो अभी क्या बिहार में 146 बच्चों की मौत ऐसी ही बीमारी से हुई है, जिसको चमकी और जापानी बुखार नाम दिया गया है। इस बीमारी में बच्चों को आकस्मिक झटके आते हैं, साथ ही बच्चे लंबी बेहोशी की अवस्था में भी चले जाते हैं। वहीं डॉक्टर ने लोगों से अपने बच्चों को पोषक आहार देने के साथ ही किसी भी प्रकार की बीमारी या लक्षण दिखने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाने की बात भी कही है। चमकी तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, चमकी के बारे में जानकारी नहीं है, वो क्रूड नेम है। और वो तीन बच्चे हमारे यहाँ एक 15 तारीख को, एक 16 तारीख को, एक 18 तारीख को भर्ती हुए हैं तेज बुखार, बेहोशी और झटके के लक्षण के साथ में। उसमें जब 15 तारीख को भर्ती हुआ था उसका तो छुट्टी हो गया है, आज पूर्णतः ठीक हो गया है। एक बच्ची है जो 16 तारीख को भर्ती हुई है, वो अच्छी कंडीशन में है, कल या परसों छुट्टी हो जाएगी, होप फॉर दी बेस्ट। एक 18 तारीख को जो बच्चा आया था चोलनार बस्तर से, 4 साल का मेल जो है, वो बहुत क्रिटिकल अवस्था में आया था, 10 से 15 दिन के बुखार के लक्षण थे उसको, पूर्ण एकदम सीरियस बेहोशी की अवस्था में लाया था। इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट के बाद वो नहीं बच पाया, कल उस गंभीर अवस्था में देख लिया था इलाज के दौरान। नहीं, लक्षण तो लक्षण में सिमिलरिटी है, तेज बुखार, बेहोशी होना, झटका होना, इनके लक्षण पाए जाते हैं और इन बच्चों में भी था। तो अपन उसको हमारे मेडिकल साइंस के लैंग्वेज में हमने इसको एक्यूट एन्केफेलाइटिस सिंड्रोम के ग्रुप में रखते हैं, उसी हिसाब से अपन इसका ट्रीटमेंट करते हैं। दंतेवाड़ा पुलिस ने नक्सली हमले की योजना का बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि नक्सली पुलिस लाइन करली गीदम दंतेवाड़ा के शहरी क्षेत्र में बड़ा हमला करने की योजना बना रहे हैं। एसपी ने आला अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर पूरे महकमे को सतर्क और मुस्तैद रहने की हिदायत दी है। लापरवाही की गुंजाइश ना रहे इसके लिए पुलिस बल सीआरपीएफ महिला कमांडो को सर्चिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं। दंतेवाड़ा पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस कारली गीदम दंतेवाड़ा के शहरी क्षेत्र में नक्सली बड़ा हमला कर सकते हैं। एसपी ने आला अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर पूरे महकमे को सतर्क और मुस्तैद रहने की हिदायत दी है। पुलिस द्वारा नगर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, कोई बड़ी घटना ना हो सके इसके लिए ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। पुलिस ने खुलासा किया कि एक हफ्ता पहले बड़े नक्सल नेता देवजी और सोनू के बीच हमले को लेकर बातचीत हुई, बोली में हुई बातचीत को पुलिस ने ट्रेस कर लिया है, जिससे एक हफ्ते में सुबह के वक्त हमला होने की बात कही जा रही है। क्योंकि लगातार पिछले 1.5 महीने में माननीय विधायक भीमा मंडावी जी की हत्या के बाद पुलिस ने 7 इनामी नक्सलियों को ढेर किया और करीब 15 से 20 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के अंदर जो है वो भगदड़ मची हुई है, नक्सली बहुत ही बौखलाए हुए हैं। लगातार हम मोबाइल इंटरसेप्शन, रेडियो मैसेजिंग इंटरसेप्शन और अपने मुखबिरों के थ्रू सूचना संकलन कर रहे हैं। इसमें ये जो किरणदूर के नीचे जो गंभूर और पीड़िया वाला इलाका है, उसमें वेस्ट बस्तर, साउथ बस्तर के काफ़ी बड़ी संख्या में नक्सलियों के जमावड़े की सूचना हमारे पास आई है। निश्चित रूप से पुलिस लाइन, पुलिस कैंप्स पर हमला करने की नीति और किसी राजनीतिक पार्टी के लोगों को नुकसान करने की बात इंटरसेप्शन में आ रही हैं। लगातार हमने नोडल ऑफिसर के हिसाब से माननीय पूर्व विधायक डिप्टी कर्मा जी, जेड प्लस प्रोटेक्टिव, उनके दोनों सुपुत्र जेड प्लस प्रोटेक्टिव और जितने एक्स वाई जेड प्रोटेक्टिव हैं अपोजिशन पार्टीज के और कांग्रेस पार्टी के, उनको हमने इन्फॉर्म किया, इतला किया। पुलिस के मुताबिक दक्षिण और पश्चिम बस्तर में बड़े नक्सल नेताओं का जमावड़ा बैलाडीला पहाड़ के पीछे है, वहां से ये हमले की रणनीति तैयार कर रहे हैं। गौरतलब है कि सन 2003 में गीदम थाने पर रात 7 से 8 के मध्य हुए नक्सल हमला हुआ था, जिसमें कई पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। थाने से बड़ी मात्रा में हथियार लूट लिए गए थे और थाने की बिल्डिंग को विस्फोट से उड़ा दिया गया था। इसी तरह 2011 में पुलिस लाइन कारली में भी नक्सलियों ने हमला किया था। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज।
देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छतरपुर जिला अस्पताल के हाल खराब हैं। न यहां समय पर डॉक्टर मिलते हैं और न ही इलाज। इस सब से तंग आकर रोगियों के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। छतरपुर जिला अस्पताल में डॉक्टरों की ना मौजूदगी से परेशान मरीजों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों की ना मौजूदगी से अस्पताल में हालात बिगड़ गए और लोगों के अस्पताल के मेन गेट में ताला लगाकर सड़क जाम कर अस्पताल प्रबंधक और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मरीजों का आरोप है कि वह 3 दिनों से अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर मिलते ही नहीं है। हाँ, वहीं अस्पताल में प्रदर्शन की खबर लगते ही भारी पुलिस बल और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की। बाद में सिविल सर्जन स्वयं मरीजों को देखने लगे। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही अस्पताल में हालात सुधरेंगे। रोज भर जाओ आदमी लसते बीमारी के मारे। कौन का उल्टी दस्त हो रहा, कौन को सीना पे रहा, कौन का सुगर है, डॉक्टर मिलता ही नहीं है। एक डॉक्टर है, मेरा था बेचारा दिन होगा पथौरी दस बार कौन नहीं मिला, आज भी पथौरी ही नहीं। नंता अस्पताल में डरा उतारा तो जनता अपने आप चुमा के खड़े गया। नंता बार गैस छोड़ दो जन से जनता मैं तो एक दम से सफाई हो जाए जनता की, डॉक्टर को रात हो जाए। रीवा के अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में एक इंजीनियर की मशीन बेल्ट में फंसने से दर्दनाक मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही सैकड़ों की संख्या में गुस्साए लोगों ने फैक्ट्री का घेराव कर प्रदर्शन किया और प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की। तनाव की स्थिति देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। रीवा के नौबस्ता चौकी स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया है। इंजीनियर शैलेंद्र द्विवेदी दोपहर प्लांट के अंदर काम कर रहा था, उसी दौरान इंजीनियर के अचानक मशीन के बेल्ट में फंसने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर लगते ही प्लांट के अंदर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। हादसे की जानकारी जैसे ही परिजनों सहित स्थानीय लोगों को हुई तो बवाल मच गया। सैकड़ों की संख्या में गुस्साए लोग फैक्ट्री पहुंच गए और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद हो गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों को समझाइश देकर शांत करवाने का प्रयास किया लेकिन वे दोषी फैक्ट्री प्रबंधन पर कार्रवाई व पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग कर रहे थे। घटना ने तनाव की स्थिति निर्मित हो गई जिसको देखते भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम और हमारे रामपुर बघेलान के विधायक साथी विक्रम सिंह बिट्टी जी भी थे, प्रशासन था पूरा, SDM और हम लोगों ने, उनके परिवार वालों ने जो डिमांड करी थी कि 40 लाख रुपए परिवार को देने के लिए, जो अदर्स इंश्योरेंस है या अदर जो कवरेज है उसको छोड़कर 40 लाख रुपए उनके परिवार को देने के लिए फैक्ट्री प्रबंधन ने स्वीकार किया है और 20,000 रुपये प्रति माह आजीवन उनकी पत्नी को उसके लिए बॉन्ड फैक्ट्री जमा करेगी और 20,000 रुपये प्रति माह उनकी पत्नी को देने के लिए फैक्ट्री ने लिखित 20,000 पेंशन के रूप में आजीवन 40 लाख रुपये परिवार। कल से घटना हुई जब तभी से हम लोग बातचीत कर रहे थे कि एक मुफ्त कुछ कंपनसेशन मिले क्योंकि अल्टीमेटली परिवार को आगे सर्वाइव कैसे करना उसके लिए व्यवस्था बनानी थी। कल संबंध नहीं हो पाया, आज विधायक जी भी आए, उनके सामने बात हुई, उनकी मांग थी कि 50 लाख रुपये मिले और बच्ची को नौकरी। थोड़ा सहमति बनने में नहीं हो रहा था, कंपनी कुछ कम कर रही थी, वो उनकी कुछ ज़्यादा। अब इसकी जाँच करा रहे हैं कि क्यों ऐसी घटना क्यों हुई, क्योंकि जनरली ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है क्यों, और अगर कोई रिपेयरिंग करनी हो तो पूरी कन्वेयर को बंद करके ही रिपेयरिंग की जा सकती है।
भोपाल में एसटीएफ ने एटीएम से कैश निकालकर बैंकों को चपत लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पिछले 6 महीनों में अपराधियों ने 100 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया है और लगभग 50 लाख की धोखाधड़ी कर बैंकों को चपत लगाई है। अपराधियों के पास से 27 एटीएम कार्ड भी बरामद हुए हैं। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, एटीएम में चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया है। भोपाल में एसटीएफ ने एटीएम से पैसा निकालकर धोखाधड़ी करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह ने पिछले 6 माह में 100 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सलीम मोहम्मद, रशीद खान, मोहम्मद नदीम और मोहित राय बताए जा रहे हैं, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। इनके पास से 27 अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने बैंकों को लगभग 50 लाख की चपत लगाई है। भोपाल एसपी राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि इसका मास्टरमाइंड राशिद खान ने गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा के अलावा मध्य प्रदेश में सारी वारदातें कबूल ली हैं। आरोपियों का कहना है कि एटीएम से पैसा निकालने के लिए सब कुछ लीगल तरीके से ही करते हैं, लेकिन जैसे ही एटीएम की कैश ट्रे में रुपया आधा निकलता है तो मशीन का स्विच ऑफ कर देते हैं। इसके बाद बैंक कस्टमर केयर कॉल करके कहते हैं कि उनका एटीएम में रुपया नहीं निकल रहा। सभी आरोपियों से पुलिस रिमांड में पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी खासियत इनकी, जिस स्टेट में जाते हैं वहां की गाड़ी का उस स्टेट का नंबर ये डाल लेते हैं। क्या होता है कि कंपैरेटिवली जो होता है कि चेकिंग में लोकल की गाड़ियों की उतनी नहीं होती जो कि आउटर की होती है। अदर स्टेट की गाड़ियों पर फोकस बहुत होता है। तो दिल्ली पासिंग गाड़ी है, जब मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश का नंबर, राजस्थान में तो राजस्थान का, गुजरात में तो गुजरात का, हरियाणा में तो हरियाणा का। तो मोडस ऑपरेंडी में एक पार्ट ये थी कि इन टूट रचित नंबर प्लेट ये लगा के चलते हैं, जिस पर ये यहाँ जब आए थे तो भोपाल के नंबर के नेम प्लेट के साथ पाए गए। एक और इसकी मोडस ऑपरेंडी, ना केवल अपने एटीएम कार्ड बल्कि अपने साथियों के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के ऐसे 28 एटीएम कार्ड जो हमने जब्त किए हैं वो इनसे मिले हैं। तो इस तरीके से एटीएम कार्ड्स को ला करके उस स्टेट की जहाँ पर ये जाने वाले हैं वहाँ की नंबर प्लेट लगा करके एटीएम में दो तरीके से रैकी करते पड़े। एक बार रैकी करने के बाद अंततः या तो कैश इजेक्टर विंडो पर प्रेशर करके या पावर सप्लाई कट करके ये उसमें जो भी ट्रांजेक्शन है उसको कैंसिल शो करा देते हैं। तो 80,000 भी निकाल लिया और क्लेम भी कर दिया। उस क्लेम में जैसे वो सामने वाला वेरीफाई करेगा बैंक, उसमें लिख के आएगा ट्रांजेक्शन कैंसिल्ड, उसके आधार पर तो फिर 80,000 मिलेगा। तो इस तरीके से लगभग 50 लाख से 60 लाख के बीच अभी तक इनके 21 अकाउंट के बारे में जानकारी मिली और इतनी ठगी कर चुके हैं। छतरपुर में व्यापारी से रंगदारी टैक्स न देने पर फायरिंग करने वाले बदमाश मुक्कू सहित उसके एक साथी को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शहर में बदमाशों का जुलूस निकाला और बदमाशों से गोली चलाना पाप है, कानून हमारा बाप है के नारे लगवाए। छतरपुर में अब रंगदारी टैक्स लेने वाले बदमाशों की खैर नहीं। व्यापारी द्वारा 2 लाख रुपए की रंगदारी टैक्स न देने पर दिन दहाड़े गोली चलाने वाले बदमाश मुक्कू को पुलिस ने गिरफ्तार कर शहर में जुलूस निकाला। व्यापारियों ने बदमाश की गिरफ्तारी के लिए सड़क पर जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और बदमाश सहित उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बदमाशों का सारणी दरवाजे से गल्ला मंडी तक जुलूस निकाला और बदमाशों से गोली चलाना पाप है, कानून हमारा बाप है के नारे लगवाए। पुलिस का इसके पीछे मकसद है कि अपराधियों के कारण व्यापारियों में जो दहशत का माहौल है उस दहशत को व्यापारियों के मन से निकाला जा सके। आरोपी मुक्कू के ऊपर एसपी ने 10,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। ये भवन गुप्ता और उनके पुत्र गुप्ता ने उनके ऊपर जान संभालने के लिए गोली चलाई थी। पुलिस द्वारा रात्रि में आरोपी आज सुबह अजहर नाम के उसके साथ ही गिरफ्तार किया गया है और दोनों से घटनाक्रम मोटरसाइकिल घटनाक्रम कट्टा बरामद किया गया है। आरोपी गिरफ्तार कर न्यायालय पेश। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में छठे वेतनमान के अनुसार एरियर का भुगतान न दिए जाने से परेशान होकर सेवानिवृत्त कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों ने भुगतान न होने पर अमरण अनशन करने की चेतावनी भी दी है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में मध्य प्रदेश शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति के एन सिंह यादव से सुस्त रवैये के कारण सेवा निर्मित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के एरियर का भुगतान छठवें वेतनमान के अनुरूप नहीं किया जा रहा है, जिससे परेशान होकर वरिष्ठ वृद्ध पेंशनर्स क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। हम लोग छठवें वेतनमान का एरियर 20 महीने से लंबित
सैकड़ों बार हम लोग लिखित और मौखिक रूप से प्रशासन से निवेदन किए, लेकिन ये अपने हठधर्मिता में चूर होकर के आज तक किसी प्रकार का भुगतान हम लोगों को नहीं, इसलिए हम लोग अब मजबूर होकर के हम लोग जितने वरिष्ठ नागरिक हैं पेंशनर मजबूरी में हम लोग ये अब क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। जो भुगतान शासन के आदेशानुसार 15 दिवस के अंदर होना था वह 19 माह व्यतीत होने के बाद भी नहीं हुआ, जबकि इस अवधि में कई पेंशनर्स की मृत्यु हो चुकी है। अनशन पर रहे पेंशनर्स का कहना है कि जब तक 174 पेंशनरों के एरियर्स का भुगतान नहीं हो जाता तब तक क्रमिक भुगतान अनशन जारी रहेगा। भुगतान नहीं हुआ तो आमरण अनशन भी प्रारंभ किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक एवं शारीरिक रूप से वृद्धावस्था के कारण अस्वस्थ होने के किसी को कुछ भी हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी शासन एवं विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। हमारी मांग वही है, आपने जो बताया कि पेंशनर्स का एरियर्स है छठवें वेतनमान के अनुरूप, जो प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा पारंपरिक विश्वविद्यालय जो है यहाँ मध्य प्रदेश में हमारे समान उनने सबने कर दिया है। इन यहाँ के प्रशासकीय अधिकारियों ने कई बार मिलने के बाद कभी कहा होली में हम कर देंगे, कभी कहा दिवाली में हम कर देंगे, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंग रही है अभी तक। तो हम लोगों ने ये प्रण किया है कि जब तक हमारे एक एक कर्मचारी, अभी तक तो हम सहयोगात्मक उसमें थे कि सहयोग करेंगे इनका जैसा ये करेंगे, लेकिन जब ये असहयोग की बात कर रहे हैं, असहयोग कर रहे हैं, हम लोगों ने भी अब असहयोग करना प्रारंभ कर दिया है। गाडरवाला में खनन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए एसडीएम और पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कई वाहन जब्त किए हैं। राजस्व विभाग एवं पुलिस की टीम की अंजदा रेत खदान पर कार्रवाई से क्षेत्र के खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। एसडीएम का कहना है कि अवैध खनन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खनन माफिया पर नकेल कसते हुए गाडरवारा एसडीएम राजेश शाह ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मामला गाडरवारा की अंजदा खदान का है, जहां से अवैध खनन करते हुए 3 डंपर जब्त किए गए हैं। इस एसडीएम की इस कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों के बीच में हड़कंप मच गया है और एसडीएम का काफिला देख खनन माफिया भाग खड़े हुए। गाडरवारा की अंजदा खदान एवं आसपास की खदानों से लंबे समय से अवैध खनन की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद अवैध खनन पर नकेल कसने एसडीएम राजेश शाह ने अपने दल बल व पुलिस की टीम के साथ मौके पर अंजदा खदान पहुंचे, जहां रेत का खनन कर परिवहन किया जा रहा था। एसडीएम ने खनन माफिया को खदेड़ते हुए कई वाहन जब्त कर लिए हैं। हमारी खदानें थी जो बंद हो गई थी, जिनकी समयावधि खत्म हो गई थी, आज हमने वहां पर अचानक जो है रेड मारी और 3 डंपर वहां से उत्खनन करते हुए जो है जब्त किए हैं और सुपुर्दगी में थाना प्रभारी को दिए हैं। साथ ही जो पंचायत संचालन कर रही थी उसकी वहाँ के सरपंच और सचिव और लोगों को निर्देश दिए हैं कि जो लीड रास्ते बनाए उन्होंने जिनसे अवैध उत्खनन होता है उनको वो तत्काल वहाँ नष्ट करेंगे, उनको बंद करेंगे, ताकि वहाँ पर कोई भी अवैध उत्खनन के लिए कोई वाहन जा नहीं पाए। बाकी खदानों में भी है, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो रास्ते हैं जो माफिया ने बनाए हैं वो बंद करें। रीवा में गृह मंत्री बाला बच्चन ने पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग कर आपराधिक घटनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को आपराधिक घटनाओं को नियंत्रित करने के निर्देश दिए। रीवा संभाग के पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रत्येक जिलों में बढ़ते आपराधिक ग्राफ के बारे में गृह मंत्री बाला बच्चन ने चर्चा की। बच्चन ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं, उन्हें नियंत्रित करने के लिए जल्द से जल्द कड़े नियम बनाए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लगातार बरकरार रखने की बात कही। गृह मंत्री ने नशे को बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि जल्द से जल्द नशे को रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे। मैं खुद मिनिस्टर रहा हूँ, मैं 15 साल पहले मध्य प्रदेश शासन में मैं माननीय दिग्विजय सिंह जी के साथ में मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूँ, तो ड्रग्स से संबंधित फॉरेक्स वाली जो बात जो आई है, ये हमारे पुलिस विभाग के अलावा भी इससे संबंधित जो ड्रग अधिकारी है मैं उनसे भी बात करूँगा और इस पर हम पूरी लगाम लगाएंगे, पूरी हम इसमें कसावट करेंगे और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। वो पूरी हमारी कार्य योजना बन जा चुकी है और महिला अपराध तमाम कोशिशों के बावजूद भी कुछ अगर घट जाते हैं, हम उन घटनाओं का पर्दाफाश करते हैं और अपराधियों को जेल की शिकंजे में पहुंचाते हैं, लेकिन इसके बाद नए घटनाएं घटें इसकी भी पूरी पूरी हमारी स्ट्रेटजी बन जा चुकी है। अभी क्या हमारे 3 महीने 30 में चलेंगे लोकसभा के चुनाव, बाकी हमारी पूरी तैयारी होगी, बहुत जल्द इसके परिणाम आप लोग देखेंगे।
गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि महिला उत्पीड़न तथा बाल मजदूरी जैसे गंभीर विषयों पर भी नजर रखी जा रही है। कार्यकर्ताओं से भेंट करते हुए बच्चन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक पहुंचाने की हिदायत दी। हिरदा रामनगर में सीहोर नाका से तालाब के किनारे गहरीकरण को लेकर भोपाल प्रशासन ने अभियान चलाया है। इस अभियान में भाग लेने मंत्री, विधायक और अधिकारी सब पहुंचे, लेकिन तालाब के लिए कोई ठोस रूपरेखा सामने नहीं आई है। तालाब पुनर्जीवन कार्यक्रम में नगरीय निकाय मंत्री जयवर्धन सिंह, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, महापौर आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, भोपाल की कमिश्नर कल्पना श्रीवास्तव सहित तमाम लोग पहुंचे। ग्रीन भोपाल, कूल भोपाल अभियान के तहत तालाब पुनर्जीवन कार्यक्रम में सहभागिता से चलाया जा रहा है। इस मौके पर पड़े तालाब से अतिक्रमण हटाए जाने का मसला सामने आया। विधायक रामेश्वर शर्मा और महापौर आलोक शर्मा ने मंत्री पीसी शर्मा और जयवर्धन सिंह से अतिक्रमण हटाने की मांग की। कहा, सबसे पहले खानू गांव से हो रहे अतिक्रमण हटाए जाएं। ऐसे में मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, मास्टर प्लान आने के बाद हट जाएंगे अतिक्रमण। देखिए, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 25 साल से भोपाल का मास्टर प्लान प्रस्तुत नहीं हो पाया। हमने संकल्प लिया है, आप सभी से निवेदन है, मानव श्रृंखला बनाने हेतु कृपया निर्धारित स्थान पर पहुंचे। वहां पर नगर पालिक निगम के अधिकारी आपका मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हैं। मानव श्रृंखला बनाकर इस बात का प्रतीक बने कि हम तालाब के पुनर्जीवन कार्यक्रम में वृक्षा जो बरसात में ही वृक्षा यहाँ के जो जलवायु है ये इसका ऊपर मत रखना, जितने पेड़ लगेंगे और तालाब जितना गहरा होगा उतना ही भोपाल का एटमॉस्फेयर या जलवायु ठीक होगी। और दूसरा, जहाँ तक नाले और सफाई उसका मामला है, ये हम लोगों ने निरीक्षण किया था और मैं समझता हूँ कि नगर निगम ने उस सब तैयारी कर ली कि पानी आने के बाद कहीं पे भी ऐसी स्थिति नहीं बने जिस तरह से पंचशील नगर में पिछले साल बन गई थी, बच्चा बह गया। तो ये सब चीज़ें देखी गई हैं। मुझे उम्मीद है कि इनका अमला तैयार है और कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं होगी, उसको रोकने के लिए लोग तैयार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज़, दखल आपके हक में। अब आपके साथ हैं जर्जर भोपाली जो आपको सुनाएंगे अपने ही अंदाज में भैरण समाचार। नमस्कार, भैरण समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। और कल्याण भाई, ऐसा मजा आ रही है बता रहा हूँ, इंडिया ने पाकिस्तान को 7वीं बार टपका दिया वर्ल्ड कप में, बता रहा हूँ। और उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला था उनके कैप्टन को कि पहले बैटिंग कर लेना, और मैं बता रहा हूँ वहाँ प्राइम मिनिस्टर की कोई सुन ही नहीं रहा। हाँ, ऐसा तो चल जाए। और पाकिस्तान में बाढ़ आ गई और बारिश हुई नहीं, और मैं बता रहा हूँ आंसू ये थे आंसू बहाए जा रहे हैं भलेल भलेल। और वहाँ के जो पुराने खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा बाहर हैं, वो कहीं कह रहे हैं ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ भैया, इतना ज़्यादा तकलीफ है तो खुद ही आ जाओ, फिर से खेलने संन्यास वापस ले लो, अपना फिर से टीम बना लो। तुम्हारे नए लड़कों में दम नहीं है, हमारी टीम बहुत प्रोफेशनल हो गई, बता रही हूँ। मैंने जाके फिर बहुत सरप्राइज से बात की, पूछा मैंने कि भैया बता दो, असली बात बता दो, क्यों हार गए। तो उसने बोला कि 16 जून को भैया फादर्स डे था, वो हम अपने फादर से कहते जीत सकते हैं, उनको गिफ्ट दे दिया हमने जीत में। हाँ, ये तो चल गया। बिहार में भैया देख लो, ये गर्मी के कारण धारा 144 लगा दी, बताओ ऐसा उत्पात मचा रही है गर्मी वहाँ पे। और वहाँ पे भैया 183 लोग मर गए, बच्चे मर रहे हैं बेचारे लू से, ऐसा तो हो रहा है। बताओ गर्मी कैसा कहर ढा सकती है, बता रहे हो, इसलिए कह रहा हूँ बिहार में भी है ना पेड़ वेड़ लगाओ भैया, बड़ा मुश्किल काम हो रही है आजकल। और ये खबर देख रहे, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने इन्हें बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। इन्होंने कहा इनके जो महाप्रबंधक है वो सब रेल से यात्रा करेंगे, और रेल से यात्रा करेंगे। तो मेरा कहना ये है कि भैया रेल में जाएंगे बैठेंगे तो बाकी समस्या खुद देखने को मिलेंगी, कैसे एक दूसरे के ऊपर लद पद जाके बैठ के जाते हैं लोग, तब तो समझ में आएगा इनको क्या हो रही है देश में, रेलवे में कितने सुधार की जरूरत है। और यह खबर ये देख लो, ये PNB घोटाला करके गए जो गए थे ना मेहुल चौकसी, हाँ मेहुल चौकसी एंटीगुआ में ऐश कर रहे हैं जो बैठ के, वो कह रहे हैं मैं आ नहीं पाऊंगा, यहीं आके पूछ लो। और मैं कह रहा हूँ ये PNB का घोटाला कर करके इतना खाली है, इतने चौड़े हो गए हो तो बीमारियां तो होंगी, और चुपचाप बता रही हूँ खींच के लाना पड़ेगा, आ जाओ यहाँ पे। हाँ, और मैं बता रही हूँ ये ममता दीदी के चक्कर में पूरे देश में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी, बताओ क्या क्या दुर्दशा हो रही लोगों की, बेचारे बीमार पड़े हुए हैं, कोई किसी वेंटिलेटर लगा हुआ है, किसी का ये और लगा हुआ है। और मैं बता रही हूँ डॉक्टरों को मारती क्यों यार, उनकी है वो तुम्हारा इलाज कर रहे हैं भैया, तो इस तरह की घटनाएं भी नहीं होनी चाहिए, बता रहे हूँ। और वहाँ पे अब स्ट्राइक खत्म होने वाली है शायद, कुछ समझौते मांगे मांगे मान लिए हैं ममता बनर्जी ने, तो उनके पुलिस वाले रहेंगे हर जगह, ये अच्छी बात है डॉक्टरों की भैया, उनकी भी रक्षा करना चाहिए। हाँ, और ये भैया ये संसद का बजट सब शुरू हो गया है। और मैं बता रहा हूँ राहुल गांधी को तो ऐसा याद करते हैं लोग,
सुबह से नहीं आए तो वो चिल्ला चौड़ हो गई, राहुल गांधी क्यों नहीं आया, राहुल गांधी कितने प्रिय हैं बताए राहुल गांधी हैं। और फिर वो चार बजे आए, फिर उन्होंने शपथ ली। और ये प्रज्ञा भारती हैं, प्रज्ञा साध्वी जी, इनका नाम तो विवादिता होना चाहिए, साध्वी बता रहा हूँ, हजाम ही जाती विवाद शुरू हो जाते हैं इनका। इन्होंने जो शपथ ग्रहण ली उसमें अपने गुरु जी का नाम ले दिया, ये ले दिया, वो ले दिया, और वहाँ फिर चिल्ला चौट कर दी लोगों ने कि भैया ये नहीं गुरु जी के नाम नहीं है, वो तो वहाँ पे संविधान के नाम पे शपथ लो, ईश्वर के नाम पे शपथ लो। फिर उन्होंने चेंज किया, पता नहीं ये तो चल रहा है। वो अमेरिका में देखो कितनी खबर है, भारतीय परिवार की हत्या कर दी वहाँ पे किसी ने, सिर्फ फिर ने बता रहे हो, मैं बता रहा हूँ वहाँ आके रहती है क्यों यार, अपने देश इतना बड़ा है, प्रगति कर लिया है, यहीं रहो ना, काहे को वहाँ मानने जाते हो। और यह खबर देखो अमेरिका से एक अच्छी खबर भी आ रही है कि जब भी युद्ध वगैरह होगा तो अपने को भी है ना हथियार मिल जाएंगे, जो नाटो देश है जिनको है ना जो अधिकार प्राप्त हैं वो अपने को भी मिल गए अब तो। ये मोदी जी का जो भैया है ट्रंप के साथ दोस्ती हो रही है उसका फायदा हो रही है बता रहे हूँ। और आखिरी खबर ये सुन लो भैया, भोपाल से अच्छी खबर है, कलकत्ता और पटना और लखनऊ और चंडीगढ़ के लिए सीधी फ्लाइट है तो शुरू होने वाली है, तो भैया टिकट बुक करा लो, घूमो इधर उधर। मैं भी चला भैया कलकत्ता जा रहा हूँ, जरा दीदी से मिल लूँ, बहुत भुनभुनाती रहती है, उनको जरा भोपाल का पानी ले जाके पिलाऊंगा। हाँ तो भैया जय श्री राम, मैं जा रहा हूँ।